हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए अब बात करते हैं टीवी सीरियल की है चाहते की कहानी की। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि प्रिशा रूही से कहती है कि रुद्राक्ष ने उसे बचाया उस आग वाले हादसे से और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। रूही कहती है कि हाँ, और उन्होंने पार्टी भी चेंज कर ली। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सामने उन्हें एक हट नज़र आती है। रुद्राक्ष उस हट का ताला तोड़ता है और अंदर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि युवराज प्रिशा का वेट कर रहा होता है और कहता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है और अपने आप से कहता है कि अब चाहे जो हो जाए, मैं रुद्राक्ष और प्रिशा को दोबारा नहीं मिलने दूंगा। प्रिशा यहाँ पर सामान ढूंढती है खाना बनाने के लिए और उसे खिचड़ी का सामान मिलता है। रूही प्रिशा से कहती है कि आप हमेशा मेरी मामा को प्रिशा प्रिशा क्यों कहते रहते हो, उनका नाम तो प्रिया है ना। तभी रुद्र कहता है कि दरअसल जब मैं और तुम्हारी मामा दोस्त थे तब मैं शुरू से ही उसे प्रिशा कहता था। यहाँ पर प्रिशा खिचड़ी बनाना शुरू करती है और रुद्राक्ष रूही के साथ खेलता है और सॉन्ग बजेगा टाइटल ट्रैक यहाँ पर शो का बैकग्राउंड में। तभी उसे पता चलता है कि रुद्राक्ष को कि कपड़े नहीं हैं प्रिशा के पास, क्योंकि जो कपड़े उसने पहने हैं वो गंदे हो गए हैं। तभी वो अपनी शर्ट उतारता है और प्रिशा को देता है और कहता है जाओ जाकर के चेंज कर लो। प्रिशा कहती है कि नहीं, इट्स ओके, और वैसे चेंज की ज़रूरत तो तुम्हें भी है। तभी वो स्ट्रगल करता है धोती बांधने में। रूही रुद्राक्ष की ये परेशानी देखकर हंस रही होती है। प्रिशा आती है और वो रुद्र की शर्ट पहनकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तभी वो रुद्राक्ष की तरफ बढ़ती है और उसके आगे खड़ी हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक आई मोमेंट शेयर करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। रूही उनसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। प्रिशा खिचड़ी बनाने चली जाती है और रुद्राक्ष धोती पहनते पहनते नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे धोती पहननी नहीं आती और रूही उसका जमकर मजाक उड़ाती है। तभी प्रिशा कहती है कि रुद्राक्ष की धोती पहनने में मदद कर दो ना। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं, रुद्राक्ष को नहीं पता कुछ भी, और वैसे भी जब वो हमारे यहाँ स्टोर रूम में रहते थे ना तब मैं ही सब कुछ करती थी रुद्राक्ष का। और वो कहती है ये एकदम बच्चे जैसे हैं बच्चे। प्रिशा यहाँ रुद्राक्ष की मदद करती है धोती पहनाने में और रिकॉल करती है कि कैसे वो पहले भी ये सब कर चुकी है और खूबसूरत से रोमांटिक मोमेंट आपको एक बार फिर से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तभी प्रिशा कहती है कि हाँ, मैंने उसे ऑलरेडी बता दिया है, और रूही ये कहकर के बहुत खुश होती है। प्रिशा कहती है कि हाँ, अब तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं इन 5 सालों में जो मुझे नहीं पता। रूही भगवान को देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और थैंक कहती है कि इन दोनों को साथ में रखने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वैजयंती शारदा से कहती है कि रुद्राक्ष अब तक क्यों नहीं लौटा। शारदा कहती है कि मे बी उसके पास में कोई काम आ गया हो। तभी यहाँ पर वैजयंती कहती है कि नहीं, आप झूठ बोल रही हैं ना, रुद्राक्ष प्रिशा के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो उसी के पास गया है। शारदा कहती है कि नहीं, तुम ये गलत कर रही हो, गलत सोच रही हो। वैजयंती कहती है गलत तो आपने किया है माँ, रुद्राक्ष को प्रिशा के साथ भेज करके। शारदा कहती है कि देखो, तुम चीज़ों को गलत फहमी में उलझाओ मत। वैजयंती कहती है कि आप क्यों नहीं समझ रही हैं कुछ भी, कि रुद्राक्ष हमेशा अपने दिल की सुनता है और अगर उसके दिल ने कहा तो वो मुझे छोड़ भी देगा। शारदा सोचती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। बाद में वो कहती है लेकिन हो सकता है रुद्राक्ष ट्रैफिक में फंस गया हो, क्योंकि अब एक बात तो तय है कि प्रिशा रुद्र की लाइफ में लौट कर नहीं आएगी। शारदा यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि चाहे जो हो, बस भगवान की कृपा से वो दोनों ठीक हो। मीनवाल दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष रूही से कहता है कि खिचड़ी बहुत टेस्टी है। प्रिशा कहती है कि चलो खाना खा लिया ना, अब चलो सोना चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष रूही मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी हम गेम खेलेंगे। रूही सजेस्ट करती है कि हाँ, हम अंताक्षरी खेलते हैं। तभी ये दोनों खेलना शुरू कर देते हैं और रुद्राक्ष पहले गाना गाता है। तभी प्रिशा गाना गाती है और रूही भी उन्हें गाने में ज्वाइन करती है, डांस करती है। रुद्राक्ष और प्रिशा एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत रूही के साथ में शेयर करते हैं। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वैसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।